हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर है, एडमिट कार्ड का जो स्टेटस है एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर वन का वो आ चुका है। फिलहाल जो स्टेटस आया है वो केवल ईस्टर्न रीजन का आया, मतलब कोलकाता वाले रीजन का है, और केकेआर का, कर्नाटक केरला रीजन का। बाकी की जो स्टेटस है वो या तो शाम तक आ जाएंगे या कल तक आराम से आपके सारे आ जाएंगे, मतलब कि सारे रीजनल ऑफिसेस के। अगर आपको डायरेक्टली लिंक चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है, जहां से आप हर रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हो। मतलब कि वो पेज जहां पर आपको केवल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आपको पता चल जाएगा। तो आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने एक लिंक बना दिया डायरेक्टली। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो और वहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आपको आपका एडमिट कार्ड स्टेटस मिल जाएगा। इस बार दोस्तों एक अलग चेंज हुआ है, एसएससी ने एक दिन में चार चार शिफ्ट कर दी है। मतलब पहले होता था तीन शिफ्ट होती थी, तो इस बार चार शिफ्ट है, चार शिफ्ट में पेपर होगा, मतलब एक दिन में चार चार शिफ्ट चलेंगी। तो पहली शिफ्ट जो होगी वो 8:45 से 9:30 होगी, दूसरी शिफ्ट होगी 10:30 से 11:30, तीसरी वाली 1:15 से 2:15 दोपहर में, और लास्ट शिफ्ट है चौथी वाली, वो 4 से 5 शाम को। ठीक है, तो चार शिफ्ट में एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। उसका रीजन ही मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से 13 तक एग्जाम चलेगा तो 35 लाख बच्चों से एग्जाम कंडक्ट करवाना आसान नहीं है। तो उसी का रीजन है शायद कि एसएससी ने जो नंबर ऑफ शिफ्ट हैं वो बढ़ा दिए और एक दिन में आपको चार चार शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो आप ये देख लेना कि आपका कौन सी शिफ्ट आ रही है। कई बच्चों को ये लगेगा कि हमारा, हमको सेंटर नहीं पता चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टेटस आता है ना वो आपको केवल ये बताने के लिए आता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपको कहाँ पर सेंटर, आपका कहाँ पर है। एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पर आएगा, कौन सा कॉलेज आएगा, कौन सा स्कूल आएगा, वो आपको अभी नहीं बताया जाएगा। वो आपको 4 से 5 दिन पहले मालूम पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो 7 दिसंबर को है, तो अभी आपको केवल इतना बताया जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है और आपके कौन सी शिफ्ट है। मतलब कि दिन में चार शिफ्ट हो रही है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है। इसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपको जो आपका सेंटर आ रहा है उस सिटी में वो कौन सा सेंटर है, कहाँ पर है, ये आपको एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले ही बताया जाता है। ठीक है, तो एसएससी का पुराना तरीका है काम करने का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके उसमें सेंटर नहीं दिख रहा है तो चिंता मत करना, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको केवल यही बताया जाएगा फिलहाल कि आपका सिटी कौन सी है और आपकी शिफ्ट कौन सी, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी टिकट्स वगैरह करवा लो या तैयारी आप कर लो जाने की वहां पर। ठीक है, तो आ चुका है, तैयारी कर लो। बस यही कहूंगा कि जो समय बचा हुआ उसमें अच्छे से मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट का इवेल्यूएशन एनालिसिस ज्यादा अच्छे से करो, और जितना पढ़ रखा है उसका खूब सारा रिविजन करो। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप लोग रिवाइज ठीक से नहीं करते हो। एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि आपने देखा आप सॉल्व नहीं कर पाए, अब बाहर निकल के अपने आपको बोलोगे कि यार ये तो आता था और सॉल्व नहीं कर पाए। उसका रीजन ही यही है कि आपने ठीक से रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। आप मानो या ना मानो, आप कितना ज्यादा पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन आप कितना अच्छा करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ लोगे अच्छे से। अभी जब आपका एडमिट कार्ड स्टेटस भी आ चुका है, ठीक है, और 4 तारीख को आई थिंक इलेक्शन, तो उस दिन चार एग्जाम ना हो दिल्ली में, बट पता नहीं है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।